देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज 26 जनवरी के मौके पर एक बार फिर देश का दमखम दिखा। वहीं वाराणसी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की ओर से आज धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में रवि प्रकाश सिंह, भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्रमुख करणी सदस्य, अमित उपाध्याय उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर मानवाधिकार एसोसिएशन नई दिल्ली, समीर भट्टाचार्य जिला अध्यक्ष वाराणसी मानवाधिकार एसोसिएशन, शाहनवाज अली कैंट विधानसभा अध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से सोनाली पटवा की रिपोर्ट। अच्छे से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय हिंद। छोटे तिरंगे का लगना है ध्यान, हम सभी को करना है तिरंगे का चलाम। जय हिंद। मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, जिला प्रभारी भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन नई दिल्ली। आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं अपने भारतीय मानवाधिकार परिवार की तरफ से यहाँ के जनता, जो हमारे नागरिक हैं, उनको शुभकामना देता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अपने गणतंत्र का ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकार का ध्यान में रखते हुए, जैसा हमारा संविधान है, उस संविधान को फॉलो करें, जिससे कि हमें अपने देश को गौरवशाली बनाने में सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। सभी लोगों के लिए हम आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस शुभ अवसर पर हम सभी लोग एक साथ पधारे और इस उत्सव में हम लोग एक दूसरे के आनंद बने। मेरा नाम पंडित हरेंद्र उपाध्याय करुणानंद है। 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं मानवाधिकार के सभी सदस्यों को, अधिकारियों को और जो भी इसमें सदस्य हैं और इस सुदामापुर नगर के सभी वासियों को मैं धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत त्रिपाठी, मंडल युवा संरक्षण प्रमुख। आज जैसा आप सभी को विदित है, 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस हम सब मनाने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मानवाधिकार एसोसिएशन ये एक संगठन ही नहीं, सामाजिक सौहार्द, शिष्टाचार और लोगों के हित के लिए करने वाला एक बहुआयामी संगठन है। मैं रवि प्रकाश सिंह, भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज गणतंत्र दिवस, 72वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और पूर्ण रूप से भारत लोकतांत्रिक देश हुआ। मैं अमित उपाध्याय, उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर, भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन नई दिल्ली। मैं समस्त जनपदवासियों को और अपने संगठन के सदस्यों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे संगठन के लोग जिस तरह देश गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने संविधान की रक्षा करने का शपथ लेता है, हमारे सभी सदस्य भी इसकी रक्षा करने का संकल्प लें और देश हित में सदैव कार्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।